अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील सिद्दीकी, पाकिस्तान की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, मैं हूं उर्वशी ढोलकिया और आपके लिए मेरा प्यार भरा सलाम। चलो ठीक है, और सुनाओ। एक्चुअली हाँ, मुझे तुम्हें एक बात सुनानी है। तो सुनाओ, मेरी कौन सी बोलचाल बंद है तुमसे? सुनाओ। वो क्या है ना, वो ना, हाय अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें शर्माना अच्छा लगता है? तुम्हारा जो काम है वो करो, तलाकें कराओ, घर उजाड़ो। तुम तो जिस गली से गुजरो वहाँ 6-7 तलाकें हो जाती है। सुनो जी, मैंने वो काम छोड़ दिया है, पता है? अच्छा, छोड़ दिया? हाँ। तो शर्मा क्यों रही हो? वो ना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो करो ना। करने तो दो पहले। अच्छा। वो क्या है ना, या अल्लाह मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें याद है तुम शादी वाले दिन इतने नहीं शर्माई थी? मैं तुम्हारा घूंघट उठाया था, तुम अंदर बैठ के सिगरेट पी रही थी। तुम्हें याद है जब तुमने मेरा घूंघट उठाया था तब मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था बता दो। मैंने कहा था, अंकल क्या कर रहे हो, शर्म खाओ जरा, अरे अपने बेटे को भेजो जो मेरा पति है। फिर क्या, जब तुमने मुझे कहा कि तुम ही मेरे पति हो, मेरी तो चीख ही निकल गई। और चीख भी याद आया? हाँ। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा सुबह उठते ही मेकअप कर लिया करो, सुबह भी मेरी 2 दफा चीख निकल चुकी है। तुम जानते हो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, दुनिया भर में मेरे खूबसूरती के चर्चे होते हैं। हाँ, खर्चे मेरे होते हैं, चर्चे कोई और कर रहा है। चर्चे तुम खूबसूरत हो वेस्ट इंडीज में, वरना मुंह धो के आओ, तुम्हारे मुंह से अच्छा मेरा घुटना निकलेगा। पता है, ये मुंह दिखा कर ना मैं पड़ोस के बच्चों के फीसें माफ करवा दूंगी। इतना बुरा मुंह है मेरा? अरे बुरा नहीं, गरीब मुंह है तुम्हारा, गरीब, साफ लिखा है शक्ल पे। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करो, बस हाथ में कटोरी की जरूरत है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पति के लिए से बात कर रही हो। शादी तुम्हारी मेरे ऐसी नहीं हुई है। तो फिर तुम्हें पता हमारी तुम्हारी शादी कैसे हुई? तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। अरे जाओ जाओ। किया नहीं था क्या? हाँ किया था। कत्ल किया ना? पंचायत ने कहा भाई लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, आपस में सुलह कर लो। उन्होंने हमारी शादी करा दी। शादी हो गई, मैंने कहा चलो भाई मर गया क्या हुआ, लड़की तो मिल गई। मैंने घूंघट उठाया, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे ही मरवा देता। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही। पछता रही हूँ? तेरी नजर बुश पे थी या सद्दाम पे थी? सद्दाम को तो मरवा दिया तुमने बुश के हाथों, अब क्या बुश को मरवाएगी उसामा के हाथों? खबरदार, समझे, तमीज से बात करो अपनी बेगम के साथ, समझे। पता है इतने बड़े बड़े रिश्ते आए थे मेरे लिए। बड़े बड़े क्या, 12 नंबर का जूता पहनता था वो? बड़े बड़े रिश्ते आए, रोना नहीं, रोगी मेरी हंसी निकल जाएगी। देखो बेगम रोना, ये मेकअप धुल गया ना जज की चीख निकल जाएगी। आस्ते छापा पड़वाएगी, ये पहले मियां बीवी होंगे जिन पे छापा पड़ेगा। रोते नहीं है। अब बात क्या कह रही थी तुम? तुम जानते हो हमारी शादी को पूरे 6 महीने होने आ रहे हैं। मैं तो गिन गिन के दिन गुजार रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? ये खुशी के आंसू है, खुशी के। अच्छा फिर ठीक है। पता है मालूम है, बहुत जल्द ना हमारे घर, मुझे शर्म आ रही है। तू वहाँ शर्मा ले 2 घंटे। सुन तो लो पहले पूरी बात। तो सुनाओ ना। वो क्या है ना, हमारे घर ना बहुत जल्द एक नया मेहमान आने वाला है। कब? कब? कल कल। मेरी अम्मी आ रही है हमेशा हमेशा के लिए। जा तेरा सत्यानाश जाए, खुशी दे के सदमा देने वाली औरत। अल्लाह करे तुझे कभी खाली ऑटो ना मिले, सब भरी हुई हो। तेरा सत्यानाश जाए। क्यों आ रही तेरी माँ? तमीज से बात करो, वो सिर्फ मेरी माँ नहीं, तुम्हारी सास भी है। काहे की सास है, टेंशन देने की मशीन है। तुम्हें याद नहीं पिछले हफ्ते आई थी? हाँ तो कमरे में मेरी मसूरी पे सो गई, मैं रुलता रहा, दरवाजा खोला सो रही थी, देखा मैंने सिराने एक सांप बैठा हुआ काला नाग। हाय अल्लाह, तो तुमने क्या किया? मैंने दुआ की। हाँ? मैं कहा या अल्लाह, हाँ? इस सांप को मेरी सास पे प्यार आ जाए। एक पप्पी करे तेरी अम्मी झप्पी पाए मौत को। लेकिन नहीं, सांप मुड़ गया, मैंने सांप को रोक लिया। मैंने ये क्या बात हुआ, तूने डसा नहीं उनको? सांप कहने लगा मैं डसने थोड़ी आया था, मैं तो इनसे जहर भरवाता हूँ।